फ्रेंड्स, कर्ज के तले दब चुकी एयर इंडिया, जिसको कहीं से भी सहारा नहीं मिल पा रहा, गवर्नमेंट भी अब इसमें और पैसा डालने के लिए तैयार नहीं है और ये एयरलाइन अपने लिए इतना भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही कि तेल कंपनियों को टाइम पे पेमेंट कर पाए। ऐसे में गवर्नमेंट के पास अब केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो एयर इंडिया को बंद कर दिया जाए या फिर एयर इंडिया को किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाए। क्योंकि एयर इंडिया एक नेशनल करियर है और हमारे देश की पहचान है, इसलिए भारत सरकार को एयर इंडिया को बंद कर पाना एक मुश्किल काम होगा। ऐसे में गवर्नमेंट के पास दूसरा रास्ता बचा है कि इसको किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों बेच दिया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी प्राइवेट कंपनी इतनी पागल क्यों होगी कि लॉस में चल रही एयरलाइन को खरीदेगी। इसलिए गवर्नमेंट अब एयर इंडिया के ऑफर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इस समय एयर इंडिया का सबसे बड़ा बोझ उसके एम्प्लॉयियों को सैलरी देना है। इसके लिए गवर्नमेंट रिट्रेचमेंट कंपनसेशन या VRS वॉयलेटरी रिटायरमेंट स्कीम लाने के ऊपर भी विचार कर रही है, जिससे कि एयर इंडिया में काम कर रहे एम्प्लॉयियों को गवर्नमेंट ये मौका दे पाएगी कि वे अपने आप ही जॉब छोड़कर मंथली सैलरी लेकर घर बैठ जाए। इससे फायदा ये होगा कि जो प्राइवेट कंपनी एयर इंडिया को खरीदेगी, उस कंपनी के ऊपर इन एम्प्लॉयियों की सैलरी का बोझ नहीं होगा। गवर्नमेंट एक दूसरे ऑफर पर भी विचार कर रही है, जहां पर एम्प्लॉय को 1 से 3 साल तक का समय दिया जाए, जिस पीरियड में एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन होगा कि वह रिट्रेच कंपनसेशन लेकर घर बैठे। इन सारे प्लान में एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयियों के बारे में सोच रही है। फ्रेंड्स, इन सारे प्लान को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह स्वयं रिव्यू कर रहे हैं और वे इस बात को जोर कर रहे हैं कि एयर इंडिया को बेचना सबके लिए फायदेमंद हो। तो फ्रेंड्स, एयर इंडिया के बिकने का चांस इस बार ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट एयर इंडिया को 100% प्राइवेट करने जा रही है, जो कि पिछले बार केवल 76% का प्लान था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया के लिए बोली नवंबर महीने से लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं, एयर इंडिया बिकनी चाहिए या नहीं? आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके कमेंट्स पहुँच पाए।